नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीम अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद टेक्निकल एटू में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स कि सिबिल स्कोर। मैं आज बात करूँगा इसी टॉपिक के ऊपर, सिबिल स्कोर क्या है। ये जो होता है आपके जो लोन सेक्शन होता है, लोन का जो भी डिपार्टमेंट होता है इसको जो है कि कंट्रोल करता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है, जो आपका नेटवर्क आप यूज करते हैं उसके लिए ट्राई है, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारे पास बैंकिंग व्यवस्था के लिए RBI है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का एक रेगुलेट करने वाला वो है RBI। सेम वैसे ही हमारे पास हमें लोन से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ें हैं तो उसको देख रेख कौन करता है, वो करता है सिबिल। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको स्कोर देखा जाता है आपका, कि आपने अगर किसी बैंक से कोई लोन लिया था तो उसको आपने कोई EMI बाउंस तो नहीं करते थे, आप बैंक को टाइम पे पेमेंट करते थे, ठीक है। ये स्कोर जो है ना इसी से काउंट होता है आपका। आप जो स्कोर है 750 से प्लस आपका है तो आप बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं और आपको कोई भी बैंक आपको लोन के लिए ऑफ़र कर सकती है। लेकिन लोन ऑफ़र होता है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हम बात करेंगे उसके लिए भी। तो सिबिल स्कोर जो होता है फ्रेंड्स, सिविल स्कोर में आपको मेंटेन रखना होता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको टाइम पे पेमेंट करना है, टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, सिविल आपका मेंटेन है। आप पार्ट पेमेंट करके, कई बैंक देते हैं पार्ट पेमेंट का ऑप्शन, कोई होता है कि 12 महीने तक आप नहीं, लोन लेने के 12 महीने तक जो है कि आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई देता है, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक देता है कि आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अदर बैंक की तो वो लेते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट पेमेंट के द्वारा भी आप जो है कि अपना सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं इससे पता चल रहा है कि आप अपने लोन को का जो भी अमाउंट बैंक से लिया हुआ है आप अपने बैंक को सही समय पे चुकता कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर बैंक को सही समय पे अपना पैसा अदा कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं, आपको आगे भी बैंक, कोई भी बैंक आपको लोन दे सकता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स कि आप प्री क्लोजर करा सकते हैं अपने लोन। अगर प्री क्लोजर कराते हैं तो उससे भी आपका सिबिल मेंटेन होता है। लेकिन अगर वहीं विपरीत इसकी हम बात करें, अगर आपने पेमेंट का जो EMI है अगर आपने बाउंस कराया, आपका सिबिल डाउन। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो सिबिल आपका जो है कि डाउन। अगर आपने बैंक को पेमेंट करना ही बंद कर दिया फिर तो आप गए, तो आप बिल्कुल भी, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप कभी भी कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपका जो है कि सिबिल चेक होता है, तो सिबिल को आप मेंटेन करके रखिए। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कभी लोन ही नहीं लिया है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन लेने जाऊं तो क्या होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप जो है कि बैंक क्या करेगा, आपका चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटस कि आपका अर्निंग स्रोत क्या है, आप कैश क्या अर्निंग है आपकी। अगर आप मान लीजिए महीने का 10,000 रुपया कमाते हैं तो उसके हिसाब से बैंक आपको डिसाइड करेगा कि कितना आप महीने का खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद कितना पैसा आपका बचता है। जितना पैसा आपका बचेगा उतना ही का लोन परसेंटेज आपको बैंक दे सकता है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका उसमें से आपका पर मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो काटने के बाद आपका जो बचता है वो आपका लोन अमाउंट होगा, वो बैंक आपको सैंक्शन कर सकता है अगर आप बिल्कुल न्यूली कस्टमर हैं तो। तो फ्रेंड्स अगर आप सिबिल मेंटेन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बैंक से कभी आप लोन के लिए अप्लाई करें, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर दे, तो बिल्कुल आपको बैंक दे सकती है लोन। लेकिन आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स कि जैसे मोबाइल की दुकान पर आप जाते हैं, मोबाइल आपको परचेस करना था तो फ्रेंड्स आप उसको फाइनेंस करवाइए। अगर आप फाइनेंस करवाएंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो छोटा लोन होगा आपका, 10,000-20,000 का लोन, मतलब EMI के 10,000-20,000 का अमाउंट होता है आपका मोबाइल का। अगर छोटा मोबाइल आप परचेस करें कोई कम दामों वाला तो उसका भी आप फाइनेंस करवाइए। इससे क्या होगा कि आपका सिबिल मेंटेन होगा, उसको टाइम पे पेमेंट करिए, उसको क्लोज करवाइए,
ताकि आपका सिबिल स्कोर जो है कि मेंटेन हो रहे और वो रिकॉर्ड रहे। इससे आप कभी भी किसी भी बैंक से जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो बैंक आपका स्टेटस चेक करेगा कि आपने पुराना रिकॉर्ड आपका कोई ख़राब तो नहीं है, या आपका चेक करेंगे वो पुराना रिकॉर्ड मिलता है सिर्फ सिबिल से। दूसरी बात होती है आपकी पैन कार्ड तो बिल्कुल मैंडेटरी होता है, पैन कार्ड के बिना आपको लोन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ ऐड हो गया है, आधार कार्ड तो आपको भी पता है कि आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें लेकर के ही बैंक में जाना होगा। उसके बाद बैंक आपको चेक करेगी कि आपका अर्निंग स्रोत क्या है। अगर आप मान लीजिए कि सैलरीड है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है कि क्रेडिट हो रही है बैंक में, तो बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी सैलरी किसी बैंक में क्रेडिट हो रही है तो बैंक के जो है कि स्टेटमेंट जो है कि वो चेक करता है बैंक जिससे आप लोन लेने गए हैं। अगर आप सेम बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो फ्रेंड्स उससे आपको बैंक को फ़ायदा होता है, वो चेक कर लेते हैं तुरंत और आपका जो भी अमाउंट होता है वो डिसबर्समेंट के लिए आपके पास उसका मेल आ जाता है, उसका लेटर आ जाता है। तो इस तरह से जो है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपका जो सिविल है वो मेंटेन अगर आप करके रखेंगे तो आपको किसी भी फाइनेंशियल के लिए किसी आपके पड़ोस में किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना पड़ेगा जो हाई इंटरेस्ट पे आपसे लेता है और लोन अगर टाइम पे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए अपने बैंक से ही बात करनी चाहिए, अपने बैंक से ही लेन देन करना चाहिए। इससे आपको सिबिल मेंटेन रहेगा और आपको जो है कि हमेशा टाइम पे पेमेंट भी मिलता रहेगा और टाइम पे आप भी पेमेंट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स, और आप जब देख रहे हैं और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो मुझे खुशी होगी इससे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।